आपके पास में अभी 280 रुपए बचे हैं, वो अपनी जेब में रखो, कोई नुकसान नहीं होगा आपका। 300 में से 280 तो आपके ही पास है, और वो 280 बचे जरूर हैं, पर वो पूरे महीने खर्च नहीं होंगे, कोई ऐसी तकलीफ नहीं होगी घर में जिससे पैसा गलत रास्ते पे चला जाए। ऐसा धन को शुद्ध करते जाओगे तो जो धन है वो अलमारी में बैंक में दिखता रहेगा, वो यूं ही रोड पे पड़ेगा नहीं। कई लोगों का तो यही रोना है कि कमाते बहुत हैं पर ठहरता नहीं, रुकता नहीं। कमाते हैं और रुकता नहीं तो कहाँ जाता है? चोरी हुई नहीं, जुआ खेला नहीं, दारू पी नहीं, कहाँ गया? फिर कहाँ चला गया बताओ? धन के हजार पैर होते हैं, हम दो पैर वाले हैं, एक जगह नहीं ठहरते। धन के हजार पैर हैं, वो एक जगह कैसे ठहर सकता है? कोई कितना भी जोर लगा ले धन को कब्जा करने का, पर उसका जोर व्यर्थ चला जाएगा, उसके पास वो धन कभी नहीं रह सकता। कोई कितनी शक्ति लगा ले अपनी शक्तियों को समेटने की, पर नहीं रहेंगी, वो चली जाती है। आपके पास धन कब रहेगा, शक्तियां कब रहेंगी, ज्ञान कब रहेगा? जब आप दूसरों के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए खर्च करोगे तब रहेगा। 50 बरस से एक आदमी कमा रहा है, अर्थात पांडाल में जिसकी उम्र 70 साल है, 65 साल है, कम से कम वो 50 साल से कमा रहा है। पुराने जमाने में 14-15 साल के बच्चे काम करते थे खेतों में, खलियानों में। 50 साल ज्यादा लगते हैं तो 40 साल से कमा रहे हैं, 25 साल छोड़ दो। 40 साल कमाने के बाद बंधु तेरी संतुष्टि नहीं हुई है तो अगले 20 बरस बचे बुढ़ापे के, उसमें भी हाय हाय करके संतुष्टि होने वाली नहीं है। और तेरे जीवन में 40 साल कमा के तूने कभी ऐसा टेंट लगाया, कभी किसी महात्मा को बुलाया, कभी तूने अनुष्ठान करवाया, कभी तूने यज्ञ किया, कभी देवताओं को भोजन करवाया, कभी आहुति लगाई, कभी तूने गाय को दान करवाया, कभी गाय को सोना पहनाया, तूने कभी ऐसा कुछ किया जिससे तेरा धन पवित्र हो, तेरा जीवन पवित्र हो, तेरा जीवन आगे बढ़े और जन्म लेगा मरने के बाद में तो तुझे पुनः ऐसा जन्म मिल जाए जहाँ तुझे काम ना करना पड़े, कुछ खिलाने वाले मिल जाए। धन की पोटली बना करके जो अपने परिवार के लिए छोड़ जाते हैं वो खाली हाथ जाते हैं और उन्हें खाली घर मिलता है, खाली माता पिता मिलते हैं, ये ध्यान रखना, बड़ा कठिन हो जाएगा महाराज। कमा करके जो अपने लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए छोड़ जाते हैं उनको खाली जाना पड़ता है और खाली ही रहना जन्म लेके, अपनी जिंदगी दोबारा डेवलप करनी है। अगर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, गौ के लिए, संत के लिए, धर्म के लिए खर्च करके जाओगे तो आगे जन्म मिलेगा, कमाना नहीं पड़ेगा, पहले से ऑलरेडी बैंकें भरी मिलेंगी, किसी अच्छे घर में जन्म होगा। इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जिनका जन्म ऐसे घर में हुआ है कि उनको कमाने की फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है। उनके दादाजी पर, उनके पिताजी पर बहुत सारा धन है। बच्चे का आगे का 2 पीढ़ियां भी खा लेंगे, इतना संपत्ति पड़ी है। और ऐसे घर में जन्म हुआ बच्चे का, एक बच्चे का घर ऐसा जन्म होता है कि क्या बताएं आपको। गाड़ी के नीचे खाना, गाड़ी के नीचे सोना, गाड़ी के नीचे रहना, गाड़ी के नीचे ही आग जलाना, उन माताओं को भी बच्चे हो रहे हैं। आप कभी जाएं तो देख लेना, इसी रोड पे मिल जाएंगे जिन्होंने प्लास्टिक के घर बना रखे हैं और उसी में बच्चे बड़े हो गए। ये भी भाग्य है, और एक वो भी भाग्य है कि जिनकी अलमारियों में चांदी के दरवाजे लगे हैं, जिनके घर झाड़ू वाली आती है, पोछा वाली आती है, बर्तन वाली आती है, एक वो भी घर है। उस घर में भी बालक आया, इस घर में भी बालक आया, दोनों का अलग अलग भाग्य है। परमात्मा ने चमड़ी मिट्टी हड्डी वही लगाई है, पर लकीरों में भाग्य में अंतर कर दिया है। अंतर भगवान ने नहीं, अंतर हम करते हैं। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे।